की कीमतों में इजाफा चैलेंज किया गया है। आज इस वक्त रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफे को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है और एक आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस दरख्वास्त में निशानदेही की गई है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा खिलाफ कानून है। शहरी नदीम सरवर ने एडवोकेट ए के डोगर की वसात से लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त में वाकई हुकूमत ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में कहा गया है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी है। दरख्वास्त में कानूनी नुकता ये उठाया गया है कि ड्रग एक्ट 1976 की सेक्शन 12 के तहत अद्वियात की कीमतों के तयन के लिए कोई फार्मूला नहीं और जब तक अद्वियात की कीमतों के तयन के लिए कोई फार्मूला मौजूद नहीं है तो इनकी कीमतों में इजाफा गैर आइनी और गैर कानूनी है। इस दरख्वास्त में सदा की गई है कि अदालत ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के जानिब से जारी नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे और हुकूमत को अद्वियात की कीमतों में इजाफा करने से रोके और अगर अद्वियात की कीमतों में इजाफा मतलूब हो और तो इससे मुतलिक जो है वो फार्मूला तय किया जाए। जी ठीक है, दरख्वास्त में ये मौकिफ इख्तियार किया गया है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा गैर कानूनी है। ये भी इस्तदा की गई है कि अदालत कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन कल अदम करार दे। उमर शाकिर, बहुत शुक्रिया।